हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ बिशप एकेडमी। स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच अबाउट क्लास 7 साइंस हीट चैप्टर 4 पार्ट 2। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने आपको हॉट एंड कोल्ड के बारे में बताया है, हीट के बारे में बताया कि हीट क्या होता है और हॉट एंड कोल्ड को कैसे मेजर करते हैं। तो आज स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में आपको हॉट एंड कोल्ड को कैसे मेजर किया जाता है, किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर किया जाता है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो नाउ स्टार्ट दिस चैप्टर। टेम्परेचर, पहला ही ऑप्शन हमारे सामने क्या है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इज ए मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस एन ऑब्जेक्ट। यानी कि जो टेम्परेचर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस यानी गर्माहट एंड कोल्डनेस, ठंडी यानी कि ठंडा उसकी, कितनी वो गर्म है और कितना ठंडा है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करने का जो हमारा यूनिट्स होता है वो टेम्परेचर होता है। द टेम्परेचर्स ऑफ समथिंग टेल अस हाउ हॉट और हाउ कोल्ड समथिंग। तो टेम्परेचर ही बताता है कौन गर्म है और कौन ठंडा है। तो कुछ इस यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। व्हेन बॉडी इज हीटेड वेरियस टाइप ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। जब हमारी बॉडी गर्म होती है तो कुछ हमारे बॉडी के अंदर फिजिकल और केमिकल चेंजिंग आती है, या हमारे ही बॉडी के अंदर नहीं, सारे ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ चेंजिंग आती है, चाहे वो फिजिकल ही हो चाहे वो केमिकल ही हो। तो देख लेते हैं फिजिकल कौन सी चेंजिंग आती है, केमिकली कौन सी चेंजिंग आती है। तो फिजिकल चेंजिंग आते हैं कि चेंज इन द टेम्परेचर, जब हमारे बॉडी के अंदर टेम्परेचर चेंज होता है तो क्या होती है, ऑन एडिंग हीट टू बॉडी, तो हमारी बॉडी गर्म हो जाती है, इट टेम्परेचर इंक्रीज, और बॉडी की टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो इसे क्या कहते हैं, फीवर कहते हैं। क्या कहते हैं, फीवर। ऑन रिमूवल ऑफ हीट फ्रॉम बॉडी इज टेम्परेचर डिक्रीज, अगर हमारे बॉडी से क्या हो जाए कि हीट को रिमूव कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो हमारी टेम्परेचर भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो हमें ठंडा लगने लगेगा ज़्यादा टेम्परेचर लो हो जाए तो। चेंजेज ऑफ स्टेट, अब क्या चेंजिंग होती है, ऑन एडिशन और रिमूवल ऑफ हीट टू फॉर्म बॉडी दियर इज चेंज इज स्टेट ऑफ बॉडी, यानी हमारे बॉडी के अंदर कुछ चेंजिंग आती है, कौन सी चेंजिंग होती है, चेंज ऑफ आइस टू वाटर एंड एडिशन ऑफ हीट। तो कह सकते हैं कि कुछ ऐसी एग्जाम्पल यह है कि हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि आइस, अगर आइस क्या है, अगर आइस ठंडा है, कोल्ड है, तो उसमें अगर हम टेम्परेचर ऐड करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में, और भी करेंगे तो वेपर में, लेकिन उस वेपर को कोल्ड करें तो फिर क्या हो जाएगा, वो आइस वाटर बनेगा, फिर वाटर से क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा। तो ये कुछ चेंजेज होती है, हीट स्टेट चेंजिंग होती है। फिर देखते हैं थर्मल एक्सप्रेशन क्या होता है, द फिनोमेना ऑफ एक्सपेंशन ऑफ मैटर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। यानी कि जब कोई मैटर के अंदर, जब उसके अंदर जब टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है तो कुछ ना कुछ चेंजिंग होती है, उसे ही हम कहते हैं क्या, थर्मल एक्सपेंशन। केमिकल चेंजिंग देखते हैं, ऑन हीटिंग रिएक्टेंट, यानी कि किसी भी चीज़ को, रिएक्टेंट को हीट किया जाता है तो मेनी केस केमिकल चेंज टेक प्लेस, तो बहुत सारे केमिकल चेंजिंग आती है उसके अंदर। तो देखते हैं कि मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, अब टेम्परेचर को कैसे मेजर किया जाता है, तो कुछ यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं, उसके थ्रू हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाई ए डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। क्या कहते हैं कि टेम्परेचर को मेजर करने वाला जो डिवाइस होता है उसे हम थर्मामीटर कहते हैं। टेम्परेचर इज मेजर इज डिग्री, और टेम्परेचर को किस में मापा जाता है, डिग्री में, यानी कि टेम्परेचर मापने का जो यूनिट होता है वो डिग्री होता है। इसके अलावा भी सेल्सियस होता है, उसके अलावा फारेनहाइट होता है, ये सारी उसकी यूनिट्स हैं। टेम्परेचर इज मेजर ऑन टू स्केल, दो स्केल से मापे जाते हैं टेम्परेचर, एक सेल्सियस और दूसरे फारेनहाइट। और एक आप हायर क्लास में जाएंगे तो एक और मेजर करने के स्केल है, वो ऐड हो जाएगा, जिसे बोलते हैं केल्विन, केल्विन भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो सेल्सियस इज द सिंबल ऑफ द सेल्सियस स्केल, कि डिग्री सी जो दिखा रहा है ये सेल्सियस स्केल का, ये क्या है, एक सिंबल्स है। और ये एफ जो दिखा रहा है, डिग्री एफ इज द सिंबल्स ऑफ द फारेनहाइट स्केल, और ये फारेनहाइट स्केल का क्या होता है, सिंबल होता है। द फारेनहाइट स्केल इज द मोस्ट पॉपुलर इन द यूनाइटेड स्टेट, यानी कि फारेनहाइट ही सबसे मोस्ट पॉपुलर स्टेट मेजर का, टेम्परेचर मेजर करने का स्केल माना जाता है, कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट में। सेल्सियस स्केल इज मोस्ट कॉमनली यूज इन द कैनाडा, और सेल्सियस कहाँ पे, कैनाडा में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। थर्मोमीटर क्या होता है, देखते हैं कि थर्मोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू द मेजर टेम्परेचर। तो थर्मोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज हम टेम्परेचर को मापने में करते हैं। तो मेजर ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, तो देखते हैं कि देयर आर थ्री स्केल ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, दिज आर डिग्री, डिग्री फारेनहाइट, केल्विन। तो ये तीन हमारे सामने एक मेजरमेंट करने, टेम्परेचर मेजर करने के लिए क्या स्केल दिए हुए हैं,
डिग्री सेल्सियस, डिग्री फारेनहाइट और केल्विन। ऑन द सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल पे पहले देखा जाए तो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज जीरो सेल्सियस, यानी कि जीरो डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम सेल्सियस स्केल पे अगर देखते हैं किसी चीज़ को उसका फ्रीजिंग पॉइंट, तो वो जीरो डिग्री सेल्सियस माना जाता है। वेयर एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट किसको कितना माना जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस को माना जाता है। सो दिस स्केल कैलिब्रेटेड ऑन द फारेनहाइट स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 32 फारेनहाइट, वेयर एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 212 फारेनहाइट। सो दिस स्केल इज कैलिब्रेटेड फ्रॉम 32 फारेनहाइट टू 212 फारेनहाइट, यानी कि जैसे कि सेल्सियस के मूड में जो फ्रीजिंग पॉइंट था 0 डिग्री सेल्सियस था, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस था, बट फारेनहाइट मूड में क्या होता है कि फ्रीजिंग पॉइंट 32 फारेनहाइट और फ्रीजिंग पॉइंट 212 फारेनहाइट होता है। यहाँ पे कुछ उसका दिया हुआ मेजर करने के लिए, फारेनहाइट इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए अभी दिया हुआ है कि कन्वर्ज, अगर कन्वर्जन करना हो सेल्सियस को किस में, फारेनहाइट में, तो यहाँ पे ऐसे फार्मूला यूज करते हैं, फारेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 9/5 प्लस 32। फिर दूसरा क्या है कि अगर कन्वर्जन करना हो फारेनहाइट को सेल्सियस में तो क्या करेंगे, तो सेल्सियस इज इक्वल टू फारेनहाइट माइनस 32 प्लस 5/9। इसके अलावा कन्वर्जन ऑफ द सेल्सियस स्केल इंटू केल्विन में करना हो तो केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273.15। तो इतना अगर हम कर लेते हैं तो हमारा मेजरमेंट किसी भी स्केल से मेजर करके हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं जो थर्मामीटर होता है वो कई टाइप का होता है। पहला होता है क्लिनिकल थर्मामीटर। तो क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है कि यानी कि क्लिनिक, यानी कि आपका जो फीवर मापने में जो थर्मामीटर यूज होता है उसे क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। तो द थर्मामीटर डेट मेजर द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर, यानी कि वो थर्मामीटर जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेजर किया करता है उसे हम कहते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। दूसरा होता है, अब इसका कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्लिनिकल थर्मामीटर किससे मिलकर बना होता है, इसका कैसे जो बना होता है थर्मामीटर, इसमें इसका कंस्ट्रक्शन जो किया जाता है उसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें मिक्स की जाती है। तो ये क्लिनिकल थर्मामीटर हैज ए लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब, क्या होता है, एक शीशे का ग्लास ट्यूब होता है। इट हैज़ ए बल्ब एट वन इंड कंटेनिंग मरकरी, और एक किनारे पर थोड़ा छोटा सा बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या कहते हैं, मरकरी होता है। इट हैज़ ए स्केल कॉल्ड सेल्सियस स्केल, ये सेल्सियस स्केल कहलाता है। मार्क्ड इन डिग्री सेल्सियस एक क्लिनिकल थर्मामीटर रीड्स टेम्परेचर फॉर 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। द क्लिनिकल थर्मामीटर हैज ए स्मॉल किंग नियर द बल्ब टू प्रिवेंट द मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग डाउन, यानी कि जो हम कह सकते हैं कि जो इसका कंस्ट्रक्शन होता है क्लिनिकल थर्मामीटर का, वो एक ग्लास का बना होता है, उसके एक कॉर्नर पर एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई देता है उसे हम मरकरी बोलते हैं। उसमें जो मार्क किया गया होता है टेम्परेचर की जो डिग्री माप की, वो सेल्सियस में माप किया जाता है, और वो 35 टू 42 से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये थर्मामीटर जो होता है स्मॉल नियर द बल्ब टू प्रिवेंट, यानी कि जो प्रिवेंट होता है वो मरकरी का होता है, उसको बचाना होता है, क्योंकि वो अगर गिर जाए तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। वहीं ऊपर नीचे होता है, वहीं जो मरकरी होता है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो फॉल होता है और लेवलिंग उसकी गिरती है और बढ़ती है, इससे पता चलता है कि टेम्परेचर कितना है कितना नहीं। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस, जो नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी की होती है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। रीडिंग ए क्लिनिकल थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर को कैसे रीड किया जाता है देखते हैं कि वॉश द थर्मामीटर विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, यानी कि पहले हम उस थर्मामीटर को किसी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन यानी कि कैसे डिटॉल से हम पहले धुल लेते हैं। होल्ड इट फार्मली एंड गिव इट द फ्यू जर्क टू ब्रिंग, और उसके बाद क्या करते हैं, देखते हैं डॉक्टर इसको धुलने के बाद ऐसे थोड़ा जर्क देता है, ऐसा झटका देता है, फिर उसका जिसका क्या होता है कि जो लेवल होता है मरकरी का वो डाउन हो जाता है, 35 पे आ जाता है। देन प्लेस द बल्ब द थर्मामीटर अंडर योर टंग, तो उसके बाद उसको प्लेस किया जाता है जीभ के नीचे, यानी कि हमारे टंग के बिलो नीचे उसको प्लेस किया जाता है। आफ्टर वन मिनट, एक मिनट के बाद टेक आउट द थर्मामीटर, उस थर्मामीटर को निकालते हैं एंड नोट द रीडिंग, और उस टेम्परेचर को रीड करते हैं, नोट कर लेते हैं, दिस विल बी योर बॉडी टेम्परेचर, वहीं आपके बॉडी का क्या होता है टेम्परेचर होता है। दूसरा होता है डिजिटल थर्मामीटर। आजकल मार्केट में सबसे ज़्यादा डिजिटल थर्मामीटर का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। जो क्लिनिकल थर्मामीटर जो बना होता है जो मरकरी का, वो क्या होता है ग्लास का, उसे टूटने का डर रहता है, लेकिन क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है, ये टूटने का डर नहीं रहता है।
तो देखते हैं डिजिटल इलेक्ट्रिक थर्मामीटर, इसे कहते हैं डिजिटल इलेक्ट्रिक थर्मामीटर आर पर प्रीफर्ड ओवर कन्वेंशियल मरकरी थर्मामीटर। ये भी पूरा का पूरा क्या होता है, मरकरी थर्मामीटर से कन्वेंशियल होता है। डिजिटल थर्मामीटर आर इजी टू रीड बिकॉज इट गिव्स एलसीडी डिस्प्ले ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द पर्सन, दे आर आल्सो मरकरी फ्री। ये क्या होता है, मरकरी का नहीं होता है, इसके अंदर एक कार्नर पे थोड़ा सा हल्का सा एक टेम्परे मरकरी का वो बल्ब लगा होता है जिससे वो टेम्परेचर को रीड करता है। और उसके अलावा इसकी जो जहाँ से इसकी टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं, रीडिंग पॉइंट जो होता है वो एलसीडी डिस्प्ले होता है जिसे आसानी से हम उसको नाप लेते हैं। और क्या होता है, पूरा मरकरी फ्री होता है, इस पर इसे टूटने का डर नहीं होता है। लेबोरेटरी थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या होता है, यानी कि लैब में, यानी कि लैब में किसी केमिकल्स को मेजर करने के लिए जो थर्मामीटर यूज किया जाता है उसे कहते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर। ये लेबोरेटरी थर्मामीटर हैज ए लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब, ये भी किसका बना होता है, शीशे का बना होता है। इट हैज ए बल्ब एट वन एंड कंटेनिंग मरकरी, और इसके क्या होता है, एक एक कॉर्नर पे हल्का सा के बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो मरकरी से बना होता है। मरकरी यानी कि मरकरी टेम्परेचर को मेजर करने में हेल्प करता है। इट हैज ए स्केल मार्क्ड इन डिग्री सेल्सियस, इसको भी डिग्री और सेल्सियस में मार्क किया जाता है। द रेंज ऑफ द लेबोरेटरी थर्मामीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, यानी इसको -10 से लेकर के, यानी कि इसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट होती है वो -10 डिग्री होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 110 डिग्री सेल्सियस पे मेजर किया जाता है। तो ये अब मेजरिंग कैसे की जाती है थर्मामीटर को, लेबोरेटरी थर्मामीटर का कैसे यूज किया जाता है, तो टेक सम टैप वाटर इन ए बीकर, कुछ एक बीकर में कुछ वाटर लीजिए थोड़ा सा, डिप द थर्मामीटर, इसमें थर्मामीटर को क्या करिए, डुबाइए इन द वाटर, पानी के अंदर, सो दैट द बल्ब ऑफ द टेम्परेचर डज नॉट टच द बॉटम एट द साइड। और क्या करना चाहिए, यानी कि जो जिस साइड से मेजर करते हैं बल्ब होता है जो मरकरी का, उसको बीकर के बॉटम में टच नहीं होने देना चाहिए। द मरकरी लेवल राइज, तो देखेंगे कि आपकी मरकरी लेवल क्या होती है, राइज होती है। वेट टिल द लेवल ऑफ द मरकरी बिकम्स स्टडी, यानी कि कुछ समय तक उसका इंतजार करना चाहिए जब तक वो पूरा का पूरा ऊपर लेवलिंग उसको क्या हो जाए, वो लेवल उसका राइज ना हो जाए। नोट द लेवल ऑफ मरकरी, तब मरकरी के लेवल को क्या करना चाहिए, नोट करना चाहिए। दिस विल बी द टेम्परेचर ऑफ द वाटर, और वहीं वाटर का क्या होता है, टेम्परेचर होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में बताएंगे। थैंक यू।